जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ, व्रत पर्व और त्यौहार, इनका मैं भली भांति अनेक वीडियो में समन्वय कर चुका हूँ। फिर से एक मैं वीडियो बनाऊँगा कि किन व्रतों का, किन पर्वों का, किन त्यौहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसी श्रृंखला में ऋषि पंचमी का एक पावन पर्व भाद्रपद महीने मनाया जाता है, जो कि सन 2022 को 1 सितंबर के दिन, जिस दिन गुरुवार पड़ता है, 1 सितंबर गुरुवार को ये दिव्य और अति पावन हमारा ऋषि पंचमी का पावन पर्व है। ऋषि पंचमी के दिन पुरुष और स्त्रियां व्रत कर सकती हैं, व्रत करना चाहिए। व्रत करने का अर्थ क्या होता है कि हमें एक समय भोजन करना है, ऋषियों की पूजा करनी है। क्योंकि उस दिन हमारे क्यों मनाते हैं व्रत, ये भी मैं इसका स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि हमारे सप्त ऋषियों का इस धरामंडल पर अवतरण होना, ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक शक्ति से उत्पन्न किया और उनको स्थापित करके कहा कि तुम पूरे ज्ञान का प्रचार, धर्म का प्रचार करो, तुम हमारे स्तंभ रहेंगे। तो 7 ऋषि हमें ज्ञान का भंडार देते हैं, उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। नदी में स्नान करें या नदी का जल घर पर ला के स्नान करें, क्यों नदियों का अभाव होता जा रहा है, या गंगा जल है तो थोड़ा सा डाल के स्नान करें। स्नान करके एक चौकी पर 7 ऋषियों का चित्र हो, या 7 चावल की डेली ऋषियों के निमित्त लगाएं, अथवा 7 सुपाड़ी 7 ऋषियों का रूप मान करके पूजा करें। 8वीं एक सुपाड़ी अलग से रखें, जो माता अरुंधति। अरुंधति कौन है, जिनका नाम इतिहास में ऊर्जास्वती है, लेकिन इनका नाम अरुंधति हो गया। ये हमारे गुरु वशिष्ठ की पत्नी थी, कर्दम ऋषि देवाहुति की पुत्री थी और ब्रह्मा जी की पौत्री, यानी कि महाराजा मनु की पुत्री हैं और कर्दम ऋषि की पत्नी है। उनकी पुत्री हुई हमारी ऊर्जास्वती, जिनको अरुंधति कहते हैं, जो गुरु वशिष्ठ को भाई गई है। ये आपको हल्का सा मैंने परिचय दिया है। जिनका ग्रस्त जीवन अखंड रहा आज तक के हमारे इतिहास में, जब हम कल्पना करेंगे राम सीता के विवाह में भी विघ्न रहे, कृष्ण और राधा जी का, रुक्मिणी जी का एक लीला में विवाह रहा, लेकिन अन्य तुम देखेंगे सिर्फ पार्वती में भी विवाद होता है, ब्रह्मा ब्रह्माणी में आज भी विवाद हुआ है, जो कि उनको ब्रह्मा जी को साप लगा हुआ है। केवल भारतीय इतिहास में एक हमारा ग्रस्त जीवन ऐसा हुआ है, गुरु वशिष्ठ और जगत माता अरुंधति, उनके जीवन में कभी विवाह कोई विवाद नहीं हुआ। विवाह के समय उन्हीं का उदाहरण वर कन्या को दिया जाता है, जब कन्या अपनी तीसरी परिक्रमा लेती है। आपने जरूर देखा होगा, याद किया होगा। अब हमें ऋषि पंचमी की पूजा की विधि तो मैंने आपको बता दी, पूजा करें, एक बार जल ग्रहण करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, बुराई से बचें, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करें और यथासंभव दान जरूर दें। अब इसमें उद्यापन का जो एक प्रमाण है, यद्यपि उद्यापन के बारे में फिर से आपको बड़ा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी केवल मात्र में इतना कहना चाहूंगा, जो हमारी माता और बहनें रजस्वला होती हैं, मासिक धर्म होती हैं, उस मासिक धर्म के अनंतर यदि कोई जाने अनजाने गलती हो जाती है, उनका पाप इस व्रत से होता है। लेकिन उद्यापन कब होता है, जब मोनोपोज के बाद आप स्वच्छ हो जाती हैं, मासिक धर्म से मुक्त हो जाती हैं, तब आप दोनों पति पत्नी मिलके इसका उद्यापन करें। 7 धातु की, सोने की, चांदी की, तांबे की, जैसी आपकी ताकत है वो 7 ऋषियों की मूर्ति बनाएं, 7 गायें इकट्ठी करें, 7 गाय नहीं तो चांदी की छोटी छोटी गाय ले लें, और उतना भी नहीं है तो 7 सुपाड़ी और 7 वस्त्र लें, स्त्रियों के और 7 वस्त्र लें पुरुषों के। 8वां वस्त्र हमारे अरुंधति जी का स्पेस विशेष रूप से लें, और ये रूप लेकर के उनका पूरी चौकी पर विधिवत करके ब्राह्मण के द्वारा गृह शांति और हवन आदि करा के संपन्न करें। सभी ब्राह्मण को एक एक जोड़ी कपड़ा, ब्राह्मणियों को एक एक जोड़ी कपड़ा और मूर्ति के साथ धातु का पात्र, जो कमंडल होता है, जैसे जिसके आज की तारीख में डोलची या स्टील की बाल्टी वगैरह या कमंडल या लोटा, जो भी आपकी क्षमता है वो दें। ये स्त्री पुरुष दोनों को करने का अधिकार है, जो करेंगे उनका फल ये मिलता है कि हमारे जीवन में जाने अनजाने में जो कुछ गलतियां होती हैं, जो कुछ पाप होते हैं,
उनका प्रायश्चित हो जाता है। अगर ये छोटे छोटे पाप हमारे जीवन बचे रह जाते हैं तो इनका काम क्या है कि हमारे पुण्यों को खा जाते हैं और जो हमारे पापों को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख तो कम होता ही है, अगले जन्म तक भी हमें कई बार इन कर्मों का लेखा जोखा भोगना पड़ता है। ये कर्म के लेखे बड़े विचित्र होते हैं। हमारे ऋषि पंचमी के दिन बहुत ये पावन पर्व होता है। कुछ संप्रदाय विशेष में, जाति विशेष में ऋषि पंचमी को रक्षाबंधन का भी विधान है, वो भी लोग कुछ कुछ करते हैं। तो ये हमारे ऋषि पंचमी का पौराणिक ऐतिहासिक बड़ा ही दिव्य महत्व। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान के प्रचार को बांटें। और भी बहुत से दिव्य व्रत पर्व त्योहारों की जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपको आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप हमारे इन छोटी छोटी वीडियोज को बहुत ही लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो और आगे प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के वीडियो में इतना ही। श्रीमानों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।